हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केबीएस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स ईच विद दी गिवन नंबर्स एज दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/4, -1। तो हमें सम ऑफ, इसको हम सम ऑफ जीरो मानेंगे और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो मानेंगे। सम ऑफ जीरो इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू -1। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो 1/4 को हमने माना अल्फा प्लस बीटा और -1 अल्फा बीटा है हमारा। तो यहां लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -1। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। रिक्वायर्ड पॉलीनोमाइल इज गिवन बाय देखिए x² - α+β + β = 0। ठीक है, तो यहां लिखते हैं x² - α+β की जगह 1/4 इंटू में यहां पे x भी है, सो यहां x लिख लीजिए, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? -1। x² - 1/4x ± -1 इक्वल टू जीरो हमारा कंटिन्यू रहेगा। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x² - x - 4, ये वाला नीचे 4, इसका हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, सॉल्व करके हमारा ये आ गया इक्वल टू 0। अब ये 4 हमारा इधर चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x² - x - 4 = 0। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहीं फिनिश हो गया। नाउ सेकंड पार्ट इज 2, 1/√3। तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या है? √2, और ये क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3, और ये है हमारा अल्फा बीटा। ठीक है, राइट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। पुट इन इक्वेशन, सो x² - α+β x + α β = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। ठीक है, x² - α+β की वैल्यू √2x + α β की वैल्यू 1/3 = 0। नाउ एलसीएम ले लीजिए, 3 आ गया नीचे हमारा, यहां कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, यहां भी कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। अब यहां पे आ जाएगा 3x² - 3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 इक्वल टू 0, 3 यहां जाके 0 बन गया। सो 3x² - 3√2x + 1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो गई। सेकंड पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ थर्ड पार्ट, √5। राइट है, सम ऑफ
जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है, जो हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट फाइव दे रखा है, ये हमारा क्या है अल्फा बीटा है। ठीक है, सो इक्वेशन में पुट करेंगे हम। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। जीरो के एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाता है, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है रूट फाइव इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ गया, प्लस का रूट फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1.1, लिख दीजिए सम ऑफ जीरो इक्वल टू वन, और ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये वन दे रखा है, होता है ये अल्फा बीटा। सो इक्वेशन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा, सॉरी प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू वन दे रखी है इंटू एक्स, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी वन दे रखी है इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज फिनिश, नाउ फोर्थ पार्ट इज फिनिश, नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दे रखा है माइनस वन अपॉइंट फोर कॉमा वन अपॉइंट फोर, राइट है। जैसे हमने सारे पार्ट करे हैं वैसे इसे भी करेंगे। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर, ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू है वन अपॉन फोर, ये है हमारा अल्फा बीटा। इक्वेशन में पुट कर देंगे हम वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा बीटा की। सो हमने इक्वेशन उतार लिया यहाँ पे, अब अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस वन अपॉन फोर एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है वन अपॉन फोर। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लीजिए, फोर आ जाएगा तो यहां पे आएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेना तो आता होगा आप सबको, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी एलसीएम की। इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी क्या हो गई है इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर टू मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।